यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यशायाह 35। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे और मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी, वह तो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर ही आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़िया भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे और जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी और मृगतृष्ण ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकंड और सरकंडे होंगे और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहां सिंह न होगा और न कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा और न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़े हुए उसमें चलेंगे और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा।